तो दोस्तों जैसे कि मैंने अगला वीडियो में आपको बताया था, एक वीडियो से ही YouTube मोनेटाइजेशन का सारा कैटेगरी पूरा कर लिया है मेरे दोस्त ने, कि उनके वीडियो पे जो कि है एक एक दिन में 4 लाख 5 लाख 3 लाख जो कि है व्यू आ रहा है, एक एक दिन में 1000 से 1500 सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। वो वीडियो किस प्रकार से मिक्स करता है, नॉर्मली आपको क्या करना है, YouTube चैनल पे जाना है, ठीक ना, YouTube चैनल पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट लिखने के बाद आपको उन्हीं का वीडियो आएगा और आप लोग इनका वीडियो बिंदास डाउनलोड करके अपने YouTube चैनल पे डाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कॉपीराइट क्लेम, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक ये नहीं दे रहा है किसी को भी। इनका बहुत सारे लोग जो है ना वीडियो अपने YouTube चैनल पे डाल करके अभी अपने चैनल को जो है मोनेटाइज करवा रहा है। आप भी अगर चाहते हैं इनका वीडियो को आप लोग अपने YouTube चैनल पे डालने के लिए, तो डालने से पहले रुक जाइए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उनका वीडियो जो है ना डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट उसी प्रकार उसका वीडियो नहीं डालना है आपको YouTube चैनल पे। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, उसमें थोड़ा सा क्या करना है, एडिटिंग करना है। तो एडिटिंग करने के लिए कौन बताएगा, अरे मैं हूं ना आपका भाई। आप डाल दीजिएगा प्ले स्टोर में YouTube वीडियो डाउनलोड, तो उसमें आप सबको बहुत सारे जो है ना एप्लीकेशन मिल जाएगा। चलिए मैं इस वाले एप्लीकेशन के मदद से मैं इस वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मेरा ये वीडियो डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद क्या करना है, काइन मास्टर पाना है, ये रहा काइन मास्टर। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है शॉर्ट फीड वाले जो होता है इसका साइज, शॉर्ट वीडियो का जो साइज होता है 9:16 वाले रेशियो पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक किए उसके बाद क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे यहाँ आने के बाद आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है किसी भी प्रकार का, जैसे व्हाइट होता है या ब्लैक होता है, मैं फिलहाल ब्लैक लेता हूँ। तो यहाँ इमेज वाले ऑप्शन पे गया और ब्लैक वाले इमेज ले लिया, इसको क्लिक किया, ये ब्लैक वाले इमेज को थोड़ा बढ़ा लिया क्योंकि एक मिनट का जो है ना समथिंग का शॉर्ट वीडियो आता है, तो यहाँ पे ले लिया। तो उसके बाद आपने जो वीडियो डाउनलोड किया है उस वीडियो को यहाँ पे लेना है। तो क्या करना है, तो यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया वाला ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद यहाँ से जो है आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा ये वीडियो डाउनलोड हो रखा है, मैं इस वीडियो को क्लिक किया ले लिया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको काइन मास्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो एक मैंने काइन मास्टर के बारे में फुल ट्यूटोरियल जो कि काइन मास्टर के A to Z जानकारी मैं दे रखा हूँ एक वीडियो में, उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ। आपको अगर काइन मास्टर के एक एक चीज़ की जानकारी चाहिए तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को क्या करना है, अब मैंने यहाँ से ले लिया बैकग्राउंड पे एक छोटा सा वीडियो ले लिया जिस वीडियो को मैंने डाउनलोड किया, तो इसको अब छोटा करना है, छोटा करके इसको साइड में रखना है, साइड में रखना है इसको और छोटा करना है, ताकि एक साइड में जो है ना आपको एक कोई फोटोज आ जाए। यहाँ पे ले लिया, अब क्या करना है, फिर दोबारा से ये आर्टिस्ट जो है जिस भी मतलब महान हस्ती का ये फोटोज बना रहा है या किसी भगवान का फोटो बना रहा है, तो उसका पहले फोटो आपको क्या करना है, गूगल से डाउनलोड कर लेना है। देखिए ये बागेश्वर धाम वाले बाबा का जो है ना ये तस्वीर बना रहा है, तो मैं एक बागेश्वर धाम वाला बाबा को जो है ना एक फोटो गूगल से डाउनलोड कर रखा हूँ, मैं उसको उठाता हूँ और इसके साइड में रख दूंगा। और एक ये ऑप्शन हो गया, एक इससे भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, अपने आप को अगर किसी लोगों को दर्शक को दिखाना है, अपने आप को भी वायरल करना है साथ में, तो एक टिप यहाँ से ये भी ले जाइए कि बागेश्वर धाम वाले बाबा का फोटो साइड में मत लगाइए, आप खुद अपने फेस को थोड़ा रिकॉर्ड कीजिए इस टाइप से, हाँ सर बहुत अच्छा, उनके ऊपर मतलब फेस का रिएक्शन देना है, जैसे रिएक्शन वाला वीडियो होता है ना, अपने फेस का रिएक्शन देना है कि वाह कितना अच्छा कलाकारी है, क्या गजब का तस्वीर बनाया है, इस तरह से कुछ भी बोल करके आप वीडियो छोटा सा रिकॉर्ड कर लीजिए और उसके बाद इसके साइड में जो आपको लगाना है। अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग अपना फेस नहीं दिखाना चाहता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या करना है, इनका वीडियो डाउनलोड कीजिए और जिस भी पर्टिकुलर का ये तस्वीर बना रहा है उसका फोटो डाउनलोड कीजिए, गूगल से उसको साइड में ला लीजिए। नॉर्मली से बात है, मैं यहाँ से एक इनको लायर पर गया, मीडिया पर गया, दोबारा से मैं आता हूँ यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे, किधर गया का मेरा एक फोटोज है, इसको क्या करना, क्रॉप करना है जो कि साइड में एडजस्ट हो जाए। मैं यहाँ से क्रॉपिंग वाला ऑप्शन पे गया और इसको यहाँ से क्रॉप किया और इधर साइड से भी क्रॉप किया, इसको ओके किया, डन। तो इसलिए हम कह रहे हैं आप लोग करते क्या है, वीडियो को जो पूरा देखते नहीं और चले जाते हैं, उसके बाद अगर कॉपीराइट क्लेम आ जाए या स्ट्राइक आ जाए तो फिर बाद में हमें मत करना, हम मुझे मत कोसना, मुझे मत कमेंट में आकर के मतलब कुछ भी बोलना कि मतलब मेरा वीडियो पे क्लेम आ गया। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट तक कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई भी टिप्स दे सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस फोटोज को मैंने साइड में लिया और इनको क्या करना है, इसको उसी प्रकार से बड़ा कर देना चाहिए, उनको उनके साइड में मिला देना है। चलिए मिला दिए, अब क्या करना है, जैसे इनमें आवाज है आपको क्या करना है, ये आवाज को बंद कर देना है, ये जो म्यूट कर देना है, इनको जो गाना है जो सॉन्ग है इसमें, इस सॉन्ग को जो है ना म्यूट कर देना है, इसको क्या करना, यहाँ से बंद कर दिया, मुझे 0 पॉइंट पर इनका कोई भी आवाज नहीं रखना है, क्योंकि गाना यहाँ से हमें यूज नहीं करना है, किसी भी सॉन्ग यूज नहीं करना है, क्योंकि सॉन्ग से भी कॉपीराइट आता है,
इसीलिए मैं अपना कुछ अलग ही मेथड से काम करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या किया इनका आपने, ये कर लिया, ऊपर क्या करना, ऊपर स्पेस बच रहा है वहां पे क्या कर लिया, वहां पे लिख दीजिए बागेश्वर धाम बालाजी सरकार, है नॉर्मल इसे कुछ भी लिख दीजिए। चलिए वहां पर क्या करना, राइट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिख दीजिए बालाजी सरकार लिख दिया। इसको थोड़ा बड़ा करना है फॉन्ट, और इसको कलर कर दीजिए कुछ और, नहीं तो इसी को ऊपर कर दीजिए, मैं फिलहाल इसी को ऊपर कर देता हूँ, है ये हो गया। और इसके बाद जो है ना शॉर्ट को नीचे यूज कर लेना है, मुझे शॉर्ट लिखा है ये नीचे डाल दिया, डाल दिया। अब क्या करना है, इस वीडियो में जो भी चीज मैंने यूज किया सभी को जो है ना पूरा फुल कर देना जहां तक वीडियो है ना? अब देखिए ये वीडियो चालू हो गया है बालाजी सरकार और इनका तस्वीर बनाया जा रहा है, ठीक ना। ये वीडियो शॉर्ट वीडियो कंप्लीट हो गया। अब इनको क्या है ना पब्लिश करना है। पब्लिश करने टाइम एक चीज का ध्यान में रखना है आपको, बातें हैं कि इसमें कोई भी सॉन्ग या किसी भी बैकग्राउंड का जो म्यूजिक है बाहर से मत डालिएगा। अगर डाल रहे हो तो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डालिएगा, और किसी भी वीडियो को डाउनलोड जो करते हैं उसका म्यूजिक नहीं यूज करना है। अगर यूज करना है तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब इस वीडियो को क्या करना है, इम्पोर्ट करना है अपने गैलरी में। मैं इस वीडियो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ अपने गैलरी में। ये शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये देखिए नॉर्मली धक्का 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 मतलब डाउनलोड हो रहा है और ये चला गया मेरा गैलरी में। जैसे गैलरी में गया, अब मैं इसको पब्लिश करके दिखाता हूँ जहां से आपने डाउनलोड किया, जहां से आपने वीडियो को डाउनलोड किया आपने मिक्सिंग करने के लिए। चलो उसी वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ, वो वीडियो आ गया यहाँ पे, देखिए दोस्तों ये आ गया। अब इसी सॉन्ग पे इसी वाले बैकग्राउंड म्यूजिक पे मुझे अपने वीडियो जो मैंने मिक्स किया हूँ उसको डालना है यूट्यूब चैनल पे। तो क्या करना है, इधर साइड में इधर कोने में जो है ना जो भी सॉन्ग है उसका स्टिकर दिख रहा है, तो चलिए इस वाले स्टिकर पे क्लिक करना है, कर लिया। और यहाँ पे देखिए इस वाले सॉन्ग पे बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो जो है ना डाल चुका है। और तो देखिए यहाँ पे यूज दिस सॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर कैमरा ओपन हो गया, तो यहाँ फोटो नहीं लेना है। अगर आप बना रहे हैं कोई भी रील वगैरह तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं उसी वाले सॉन्ग पे। लेकिन मुझे क्या करना है, मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, मुझे इस वाले सॉन्ग पे इस वाले बैकग्राउंड पे वीडियो अपलोड करना है, पब्लिश करना है। तो चलिए क्या करना है, यहाँ वाले इधर साइड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, साइड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैंने जो वीडियो बनाया था वो दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले वीडियो पर क्लिक करता हूँ और इस वीडियो को मुझे अब ये वीडियो म्यूजिक बज रहा है ना, क्योंकि मैंने तो वहां से म्यूजिक हटा दिया था जो एडिटिंग करने टाइम। अब क्या करना है, यहाँ से मुझे इस वीडियो को पब्लिश करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किए, यहाँ पे क्या करना है, कोई फिल्टर यूज करना है तो कर लीजिए, क्योंकि अच्छी बात रहेगा आपको थोड़ा और अच्छा एट्रेक्टिव दिखेगा। मैंने ये पॉप अप वाले फिल्टर लगा लिया और डन किया। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक किया, ये वीडियो आ गया यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थंबनेल शॉर्ट वाला वीडियो जैसे अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद किसी भी प्रकार का थंबनेल में चेंज नहीं कर पाएंगे आप, इसीलिए अगर आप चाहते हैं यहाँ वाला पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करके नीचे जो है ना ये वाला एरो इस वाले बटन पे क्लिक करके अपने हिसाब से देख लिए, जहां पे वीडियो में ऐसा लगे पॉइंट कि ये वीडियो जो है इस चीज को देखने के बाद जो है जैसे कि क्लिक बेड ये वाला जो है थंबनेल दिखा तो वो क्लिक करने पर मजबूर हो जाए, इसको डन कर दिया। देखिए डन कर दिया। अब यहाँ पे लिखना है अपने वीडियो को टाइटल। चलिए मैंने टाइटल उन्हीं का टाइटल कॉपी किया था, आप लोग टाइटल लिख सकते हैं, अच्छी भले टाइटल लिख सकते हैं। यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार का जो है एक हैशटैग भी लगा दीजिए, क्योंकि कोई भी बागेश्वर धाम सरकार को सर्च करता है तो उनके सर्च लिस्ट में आपका भी वीडियो आने का चांसेस हो जाता है। उसके बाद शॉर्ट वाले जो है ना शॉर्ट वीडियो है तो इसमें एक शॉर्ट का भी जो है हैशटैग लगाना है, तो चलिए मैं लगा देता हूँ। एक और हैशटैग लगा दीजिए शॉर्ट वीडियो। उसके बाद क्या करना है, नॉर्मली इसको पब्लिश कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि इतना टाइम अगर मैं आपको दिया हूं तो इसका भी फल मुझे मिलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।